हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मसाला। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 200 ग्राम मशरूम, भिगे हुए 10 से 15 काजू, 5 से 6 बादाम, बटर 2 चम्मच, हरी धनिया की पत्ती, 3 टमाटर, 1 प्याज, हींग चुटकी सा डालेंगे, कसूरी मेथी, 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, 2 चक्का दैट मीन्स सिनेमन स्टिक्स, जीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, पुदीना के पत्ते आधा बंच, और 2 आलू, 5 से 6 हरी मिर्च और लहसुन 10 से 15। और हम इसमें डालेंगे मलाई 2 चम्मच घर की, थोड़ा सा दूध, नमक स्वाद अनुसार, और तेल ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी सब्जी बनाते समय। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर। मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल लेते हैं 4 से 5 चम्मच तेल, क्योंकि हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे और इसी तेल को हम आगे मसाले में यूज़ कर लेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1-2 कटे हुए आलू फ्राई के लिए। इसे हम 3 से 4 मिनट तक छोड़ देते हैं फ्राइंग होने तक। इसमें 1 पिंच में नमक डाल दूंगी और इसे 3-4 मिनट छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, थोड़े गोल्डन होने तक। ये देखिए, आलू अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से गोल्डन है और अंदर से अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि हमने एकदम लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम में कुक किया था। इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाला है 1 से 2 चम्मच तेल। इसमें हम मशरूम का ग्रेवी का मसाला भी बनाएंगे। तो इसमें डाल देते हैं प्याज, 1 प्याज को हमने काट के डाला था। पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन, इन सबको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे 2 मिनट तक। इसमें मिला रही हूँ 2 चुटकी नमक। ये हमने लंबे लंबे और ऐसे ही रखा है, क्योंकि हम इसे वैसे भी पीसने वाले हैं। ये देखिए, मसाले यानी कि प्याज और हरी मिर्च और पुदीना, लहसुन हमारे थोड़े से क्रिस्प और गोल्डन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ये भी मैंने लंबे लंबे काटे हैं, इसे 2-3 मिनट तक इसके साथ पकने देंगे। मैं इन टमाटरों में अभी डाल दूंगी धनिया के पत्ते और कसूरी मेथी, और इसे भी 1 मिनट तक हम थोड़ा सा कुक होने दे देंगे। ये देखिए, प्याज टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं। इसे हम कर लेते हैं बंद और ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ताकि हम इसे मिक्सर में पीस सकें। जब तक हमारे वो मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं सूखा मसाला सब्जी के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और 2 दालचीनी, 2 लौंग, जो भी हमने सूखे मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ते, इसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ, और बटर भी इसी में मिक्स कर रहे हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग और हमारे सूखे मसाले जो है धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पर, क्योंकि हमने इसमें बटर और हींग डाल रहा है, तो ये ऑयल और बटर थोड़ा फूल रहा है। इसमें अब हम डाल देंगे मशरूम जो हमने काट लिए हैं, और इसमें हम इसे सौते कर लेंगे। इसमें आप 1 चुटकी नमक डाल लीजिए, ताकि मशरूम का पूरा पानी निकल जाए। आप देखेंगे अभी ये इतने सारे मशरूम हैं, गल के ये बहुत थोड़े हो जाएंगे, और ये मैं एकदम स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ।
आप देखेंगे 2 मिनट बाद इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसे 1 मिनट हुआ है और मशरूम ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। इसे हम थोड़ा सूखने देंगे, 1 मिनट लगेगा और, यानी कि 2 मिनट हमने मशरूम को इसमें भुना है मसाले में। देखिए मशरूम अच्छे से भून चुका है। मैंने ये पेस्ट बना लिया है मसाले का, प्याज टमाटर जो हमने भून के रखा था, इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इस समय पे नमक डाल दीजिएगा स्वाद अनुसार और चेक कर लीजिएगा। मैंने इसी प्याज टमाटर के पीस में काजू और बादाम भी पीस लिए थे और वो भी इसी ग्रेवी में है। देखिए मशरूम्स हमारे मसाले में अच्छे से पक चुके हैं। लास्ट स्टेप में हम डाल रहे हैं ये फ्राई किए वाले आलू और इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच मलाई। ये घर की मलाई है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद देगा। और एक बात मैं बताना भूल गई, जब आप मसाला पीस रहे हैं मिक्सी में, अगर आपकी मिक्सी में ना पीसे तो उसमें पानी मत डालिए, 1/2 कप आप दूध डाल दीजिए। मैंने भी दूध डाल के पीसा है और मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है ग्रेवी में, ये उसी मसाले की ग्रेवी है बस। सो इसे भी रख देंगे 2 मिनट तक और हमारी ग्रेवी हो जाएगी तैयार। ये देखिए मशरूम मसाला हमारा रेडी है, कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। रेडी है हमारे मशरूम मसाला, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बैक करें। हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा।